नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता हो कि Xiaomi का MIUI 11 ऑफिशियली रिलीज होने वाला इंडिया के अंदर 16 अक्टूबर को। और दोस्तों, Xiaomi ने सभी यूजर्स के ऊपर प्रॉमिस किया कि इस बार हम बीटा अपडेट नहीं रिलीज करेंगे, सीधा आपको ग्लोबल स्टेबल अपडेट बहुत ही फास्ट तरीके से सभी डिवाइस में रिलीज करने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसे में काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि MIUI 11 का फर्स्ट अपडेट मतलब कि ग्लोबल स्टेबल अपडेट हमारे डिवाइस में कब तक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली यहां पर कंफर्म सपोर्टेबल डिवाइस की लिस्ट, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच की लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके डिवाइस में कब तक MIUI 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, MIUI 11 ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर, एंड चाइना में कुछ डिवाइस में देश से स्टेबल अपडेट मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि जो फर्स्ट डिवाइस की लिस्ट है, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, ऐसे कुछ डिवाइस को आप देश से स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों, Xiaomi ने कन्फर्म कर दिया कि इंडिया के अंदर 16 अक्टूबर को MIUI 11 रिलीज होने वाला है। एंड दोस्तों, रिलीज होने के बाद बहुत ही फास्ट तरीके से ग्लोबल स्टेबल अपडेट सभी सपोर्टेबल डिवाइस को फास्ट तरीके से रिलीज करना भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में देश से फर्स्ट बैच का शेड्यूल मतलब कि अर्ली नवंबर में आपको फर्स्ट बैच का शेड्यूल में दे सकते हैं Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro एंड Redmi Note 7S, साथ में दोस्तों Redmi 7, Redmi 8, K20, K20 Pro, Mi Mix 3, Mi Max 3 एंड Mi Mix 2S, ये सब कुछ डिवाइस को फर्स्ट बैच के शेड्यूल में सबसे पहले ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने को मिलने वाला इंडिया के अंदर। सेकंड बैच के डिवाइस दे सकते हैं जो कि आपको लेट नवंबर मतलब कि नवंबर के एंडिंग में देखने को मिलने वाले, Redmi Y2, Redmi Note 5 Pro, उसके बाद Redmi Y3, उसके बाद Redmi 7 है, Redmi 6 है, Redmi Note 6 Pro, Redmi 6 Pro, Mi Mix 2 एंड Mi Note 3 एंड साथ में दोस्तों लास्ट बैच मतलब कि थर्ड बैच दे सकते हैं जो कि आपको दिसंबर के स्टार्टिंग में मिलने वाले, Redmi Note 8, Note 8 Pro, साथ में दोस्तों Redmi 5 दे सकते हैं, Redmi 5 Plus मतलब कि Redmi Note 5, Redmi 5A, Redmi Note 4, उसके बाद Redmi Note 4X, Redmi 4, Redmi 4A एंड Redmi Y1, Y1 Lite, इन सब डिवाइस को आपको लास्ट बैच में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ अपर सपोर्टेबल डिवाइस की लिस्ट जारी हो चुके हैं, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच एंड थर्ड बैच इंडियन ग्लोबल स्टेबल अपडेट के लिए। एंड साथ में दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi ने कन्फर्म कर दिया मतलब इन शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता है, मतलब कि कुछ डिवाइस का अपडेट या थोड़ा सा डिले मिल सकता है या फिर कुछ डिवाइस की लिस्ट में थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है। और दोस्तों, जैसे कुछ MIUI 11 के रिलेटेड कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।